दोस्तों आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं, या फिर आपके ऊपर कोई असरात, जिन्नात के असरात, या फिर कोई बंदिश वगैरह, कोई भी चीज आपके ऊपर अगर है या नहीं, आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये जो आपके हाथ की कलाई है, यहाँ से लेकर ये कोहनी तक का जो हिस्सा है, इसको कलाई कहते हैं। तो आपको कोई भी चीज ले लेनी है, जिस तरह के यहाँ पर मैंने बॉल पेन ले ली है, पेन ले ली है, तो आपको इस तरह नाप लेना है। आपको यहाँ पर भी निशान लगा लेना है और नीचे भी, आपको जहां तक ये पेन आए वहां तक आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने बॉल पेन ली है, आप इसकी जगह पर कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे लकड़ी भी ले सकते हैं, कोई भी चीज इससे छोटी भी हो, जैसे इस तरह इतनी भी हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोच से ही, शक के मारे ही बीमार पड़ जाते हैं, हालांकि उनको कुछ होता नहीं है, तो भी सोच सोच कर और शक के मारे ही वो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अगर ज्यादा बीमार रहते हैं, या फिर आपके घर के अंदर ज्यादा परेशानी आती है, और आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मेरे ऊपर कोई जादू है, या घर के ऊपर कुछ किया हुआ है, या फिर कोई असरात है या बंदिश है, और आप देखना चाहते हैं, आप पता करना चाहते हैं कि ये चीज है या नहीं, इसलिए कि अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपके दिल के अंदर डर रहेगा, आपको डर महसूस होगा और आप सोचते ही रहेंगे, हालांकि आपके ऊपर अगर है या अगर नहीं होगा तो आप सोचकर ही ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये अमल जरूर करना चाहिए और आपको देख लेना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ है या नहीं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो, अगर आपको कुछ नहीं है या फिर कोई बीमारी है और आपको पता है कि ये बीमारी की वजह से हो रहा है, तो आपको सबसे पहले उसका इलाज करा लेना है और आपको दवाई ले लेनी है। लेकिन अगर दवा लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको महसूस ऐसा हो रहा है कि कोई असरात है, जादू है या कोई बंदिश है, तो आप कोई भी चीज के जरिए ये जो कलाई है वहां पर नाप कर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अमल बतलाने से पहले एक दरखास्त जरूर करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि मैं इस तरह की अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं अमल की तरफ, आपको अमल करना किस तरह है। तो आपको सबसे पहले तो आपका बदन पाक होना चाहिए, आपको बावजू हो जाना है, और इस अमल को कोई भी कर सकता है, आप घर बैठकर भी इस अमल को कर सकते हो। चाहे आप अपना खुद चेक करना चाहते हैं या फिर दूसरे किसी का, तो दूसरे किसी का अगर आप चेक करना चाहेंगे तो उसको आपको सामने बिठा लेना है, सामने बिठाकर, या फिर आप खुद का चेक करना चाहते हैं तो आपको भी कहीं एक कोने में बावजू होकर बैठ जाना है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आपको कोई भी चीज ले लेनी है, जिस तरह यहाँ पर मैंने बॉल पेन ली है, तो आप इससे छोटी या बड़ी कोई भी चीज आप ले सकते हैं, और चीज लेने के बाद आप जिसका भी अमल करना चाहते हैं या फिर खुद अमल करना चाहते हैं, तो आप अगर खुद पर करना चाहते हैं तो आपको कोई भी चीज यहाँ पर रख लेनी है, या दूसरे का करना चाहते हैं तो उसका हाथ जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ के ऊपर आपको कोई भी चीज रख लेनी है। पहले आपको यहाँ पर रखकर निशान मार देना है, दोनों तरफ आपको लकीर बना लेनी है, मतलब उस चीज को आपको नाप लेना है, नापने के बाद आपको इस चीज को वहां पर से हटा लेनी है, फिर आपको उस हाथ को ऐसे ही रख लेना है, फिर आपको 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी आपको दुरूद शरीफ आता हो आपको 7 मरतबा पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह फलक, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, ये सूरत, और सूरह नास, ये भी आपको 3 मरतबा पढ़ लेनी है, कुल अऊदु बिरब्बिन नास, फिर 3 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत आपको 3 मरतबा पढ़ लेनी है, और उसके बाद आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जो आयतुल कुर्सी है वो भी आपको 3 मरतबा पढ़ लेनी है। सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी, ये चारों चीजों को आपको 3-3 मरतबा पढ़ लेना है। फिर आपको जो शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपको लास्ट में भी 7 मरतबा पढ़ लेना है। फिर पढ़ने के बाद आप अगर खुद के लिए अमल करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर दम कर देना है, या फिर अगर किसी को सामने बिठाकर दूसरे के लिए आप अगर अमल करते हैं तो आपको उसके ऊपर दम कर देना है। फिर दम करने के बाद आपको फिर से जो आपने नाप लिया था, लकीर जो बनाई थी, उसके अंदर आपको जो चीज से आपने चेक किया था वही चीज आपको फिर से वहां पर रखना है, और आपको देखना है कि वो चीज बराबर है या फिर बड़ी हो गई या फिर छोटी हो गई। अगर छोटी भी हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर कोई असरात है, जादू है, या फिर आपके ऊपर बंदिश है। और हाँ, अगर आपने जो नापा था वही अगर नाप बराबर है तो आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर कोई जादू नहीं है, कोई असरात नहीं है, या फिर कोई भी आपके ऊपर बंदिश वगैरह नहीं है। अगर आप बीमार रहते हैं तो वो आपकी जिस्मानी बीमारी हो सकती है, या फिर आपका वहन हो सकता है, आपका शक हो सकता है। आपको यही चीज देखनी है कि नाप बराबर है या नहीं है। अगर नाप बराबर है तो कोई बात नहीं, और अगर नाप बराबर नहीं है तो आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर कोई मसला है।
और हाँ, इस अमल को आप कभी भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दिन को कोई भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका बदन पाक होना चाहिए और बावजू होकर आपको बैठना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फायदा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।